देखिए कैसे इसका रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। देखिए मैं जैसे ही इसमें आयरन लगाया इसका रेजिस्टेंस बढ़ने लगा, 30, 31, 32, देखिए 34, अभी कंटिन्यूटी बीप भी बंद हो गया। तो ये क्या कंपोनेंट है, क्यों इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, मैं वीडियो में आगे में बता रहा हूँ, आप लोग वीडियो एंड तक देखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ मैं अपना यूट्यूब चैनल पर, साथ ही साथ मैं अपना फेसबुक चैनल भी मेरा है, उसको में भी मैं हार्दिक स्वागत है मेरा। तो चलिए मैं आज एक पावर सप्लाई के बारे में कुछ बताने की कोशिश किया हूँ। इसमें पावर सप्लाई में जो EMI सेक्शन होता है उसमें लगने वाला दो खास कंपोनेंट, शायद आप लोगों ने जो रिपेयरिंग काम करता है नया नया, इन लोगों को शायद इस कंपोनेंट के बारे में पता नहीं है। जो जिन जिनको पता नहीं है वो वीडियो पूरा अंत तक देखें ताकि उनको पूरा पता चल जाए कि ये दोनों कंपोनेंट्स क्या हो सकते हैं। देखिए देखने में कुछ इस प्रकार से है ये, और लेकिन इनका वर्क बिल्कुल अलग है। ये NTC और PTC होता है। तो ये एक NTC है, देखिए इसमें साफ साफ लिखा भी है, देखिए NTC 10D कुछ इस प्रकार से इसका लिखा हुआ है। अब NTC और PTC को पहचानेंगे कैसे, तो इस कुछ कुछ में लिखा रहता है, कुछ कुछ में नहीं भी रहता है। अब एक ये PTC है, देखिए ये काला काला जो देख रहे हैं ये PTC है। इसमें तीन लेग वाला भी है, फिर दो लेग वाला भी PTC हम लोग को मिलता है, जो ज़्यादातर CRT TV के कामों में लाया जाता है। जो इसको डिकाजिंग, जो पिक्चर ट्यूब को कलर मैग्नेट से इसको रिमूव कराता है, इसलिए इसका इस्तेमाल में इसको लाया गया है। और ये भी एक NTC है, PTC है, इसमें भी कुछ नंबर लिखा हुआ है, देखिए अच्छा से कैमरा में आ रहा है कि नहीं। ये भी PTC है, MZ कुछ ऐसा लिखा रहता है, इसमें भी देखिए MZ 73, MZ 71 कुछ भी लिखा रह सकता है। ये सब PTC है, और NTC का 10D 20D कुछ ऐसा मार्किंग रहता है, वो NTC होता है। NTC का मतलब कि फुल फॉर्म क्या है, NTC क्या काम करता है और PTC क्या काम है, इसीलिए मैं ये वीडियो को बनाया हूँ। तो NTC का फुल फॉर्म होता है, मैं यहाँ पर लिख के थोड़ा दिखा दे रहा हूँ आप लोग, देखिए ये मैं लिखने में थोड़ा गलती हो गया, मैं वीडियो बाद में फिर आप लोगों को बता दे रहा हूँ। नेगेटिव टेम्परेचर कोऑफिशिएंट्स थर्मिस्टर, लेकिन मैं लिखने में थोड़ा गलती कर दिया, इस पर मत जाइए। ए नेगेटिव टेम्परेचर कोऑफिशिएंट्स थर्मिस्टर होता है, थर्मिस्टर है जिसपे इस पर यह हीट होगा तो इसका रेजिस्टेंस कम होने लगता है, एक शॉर्टिंग की तरह शॉर्ट हो जाता है। तो ठीक उसी का अपोजिट PTC काम करता है, और PTC जो देखिए वो CRT TV में जैसे बताया कि यहीं पर लगा हुआ है, वो इसका बिल्कुल उल्टा है। वो आपका उसका भी मैं थोड़ा यहीं पर लिख के दिया हूँ, लेकिन वीडियो में थोड़ा यहीं पर गलती हो गया। ये पॉजिटिव टेम्परेचर कोऑफिशिएंट्स थर्मिस्टर जितना है सब हीटिंग के काम में आता है। एक ये दोनों रेजिस्टेंस के तरह ही काम करता है, ये जैसे ही हीट होगा इसका रेजिस्टेंस हाई हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से इसका काम है। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिए, मैं इसका प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ ताकि कोई भी कन्फ्यूजन आप लोगों को ना रहे, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें टेम्परेचर देकर, जैसे कि मान लीजिए ये दोनों समझाने के लिए ईजी हुआ, एक PTC है एक NTC है, इसको सर्किट में भी कैसे इस्तेमाल किया गया देखिए। एक CRT TV का PCB है, इसमें देखिए इस PTC का इस्तेमाल यहाँ किया गया है, ये PTC है जहाँ पर डिगाजिंग वायर लगता है, जो डिगाजिंग कॉयल है, जैसे हम लोगों को CRT ट्यूब में कलर मैग्नेट हो जाता है तभी इसका वो कलर मैग्नेट को डिस्चार्ज करने के लिए PTC का इस्तेमाल यहीं पर किया गया है। और देखिए यहीं पर LED TV का मदरबोर्ड है, इसमें NTC का इस्तेमाल, देखिए ये भी देखने में PTC जैसा लगता है लेकिन ये NTC है, ताकि हमारा सर्किट को प्रोटेक्शन किया जाए इसलिए इसका यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है।
ताकि जब भी हम कोई करंट इसमें 220 जगह दे रहे हैं तभी कोई हाई फ्रीक्वेंसी अगर आ रहा है तो कहीं कुछ प्रॉब्लम ना आए इसलिए, और कोई सर्किट है तो सर्किट को बचाने के लिए इसका भी इस्तेमाल यहीं पर किया गया है। मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, तो मैं थोड़ा बता दिया आपको। मुझे NTC का मतलब है नेगेटिव कोएफिशिएंट टेम्परेचर थर्मिस्टर, ये थर्मिस्टर है, और PTC का मतलब पॉजिटिव कोएफिशिएंट टेम्परेचर थर्मिस्टर। तो इसका हो गया फुल फॉर्म। और ये काम कैसे करता है मैं प्रैक्टिकल में अभी करके दिखा रहा हूँ कैसे इसका रेजिस्टेंस कम होगा। मैं एक मल्टीमीटर लेता हूँ और मैं इसको मान लीजिए कंटिन्यूटी या ओम्स का रेंज में रखूँगा, मैं कंटिन्यूटी के रेंज में रख लेता हूँ, और मैं इनको इस पर हीट अप्लाई करके मैं देखता हूँ कि इसका रेजिस्टेंस PTC का रेजिस्टेंस घटता है या NTC का रेजिस्टेंस घटता है या बढ़ता है, तो आपको लोगों को फुल पता चल जाएगा। उसी प्रकार से हम लोगों का PCB में भी काम करता है। ठीक है, मैं थोड़ा यहीं पर कैमरा को स्टैंड करूँगा। और फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें ताकि मैं आगे जाकर और भी अच्छा अच्छा कंटेंट ला सकूँ। पहले NTC को दिखा देता हूँ, इसके लिए मैं मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पर रख लिया, देखिए। और मैं इसमें नेगेटिव एक प्रॉप को मैं क्या करता हूँ कि इसका एक लेग के साथ मैं जोड़ लेता हूँ। देखिए, मैं एक ऐसे क्लिप इसमें एक पिन पर इसका ज्वाइन कर देता हूँ और दूसरे को मैं मल्टीमीटर के, यहाँ पर थोड़ा परेशानी हो रहा है फ्रेंड्स, फिर भी मैं दिखाऊँगा ये NTC का। और यहीं पर मैं देखिए कंटिन्यूटी भी बज रहा है, कितना ओम्स दिखा रहा है, 6 ओम्स। अभी जैसे ही मैं इस पर हीट अप्लाई करूँगा, जैसे कि मेरे पास सोल्डरिंग आ रहे हैं ना, इससे मैं इस पर हीट अप्लाई करता हूँ, तभी देखिए इसका रेजिस्टेंस हाई हो जाने लगेगा। देखिए कम रहा है इसका रेजिस्टेंस, 4 हो गया। मल्टीमीटर पर ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, देखिए जैसे ही हीट होगा 3 हो गया, तो ये NTC है, जितना हीट होगा इसका रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा, कुछ इस प्रकार से इसका काम है। और ठीक उसी प्रकार से मैं PTC का भी दिखा देता हूँ। अभी मैं PTC का दिखा दे रहा हूँ, मैं ज़्यादा टाइम नहीं रखाऊँगा। इस PTC का देखिए इसका रेजिस्टेंस हाई होगा, उसका रेजिस्टेंस कम होगा तो इसका रेजिस्टेंस हाई होगा। अभी कितना ओम्स दिखा रहा है देखिए, 24 ओम्स। तो मैं जैसे ही इसका सोल्डरिंग आयरन से मैं इस पर हीट अप्लाई करूँगा, शायद कैमरा में आ रहा है कि नहीं, देखिए देखिए 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31 ऐसे रेजिस्टेंस का बढ़ रहा है। तो PTC का काम इस प्रकार से, देखिए इतना रेजिस्टेंस हाई होगा कि इसका बीप भी बंद हो गया फ्रेंड्स। तो आशा करता हूँ वीडियो ज़रूर आप लोगों को समझ में आया होगा कि NTC और PTC का काम किया है और सर्किट में क्यों लगा रहता है, ये भी कुछ प्रोटेक्शन का तरह ही काम करता है। तो मैं और VDR MOV या VDR होता है उसका बारे में भी बताऊँगा मैं बाद में वीडियो में। मैं बस आज के लिए इतना ही वीडियो, आशा करता हूँ आप लोग समझ में जरूर आएगा होगा NTC और PTC क्या होता है। ये सर हम लोग को पावर सप्लाई में ज़्यादातर इसको इस्तेमाल में लाया गया है। तो ठीक है फ्रेंड्स, मैं वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। वीडियो देखने का धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें फ्रेंड्स।